दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनर्जी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज हम जुड़े हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी के साथ, जो ये जो प्लैंडेमिक है उसकी शुरुआत से मैं इनके वीडियोस देख रहा था और मैं काफी शॉक्ड हो गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे जो जिनका मैंने वीडियो देखा था, जो इनके बारे में बात कर रहे थे। जनरली तो नेचुरोपैथ और होम्योपैथ देखने को मिलते हैं, पर मैं काफी प्लेजेंटली सरप्राइज था कि एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स भी इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो तरुण कोठारी जी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं हमारे इंटरव्यू के साथ। मेरा पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि मैंने आपके काफी इंटरव्यूज देखे हैं, पर आपकी पर्सनल स्टोरी कभी मैंने क्लियरली सुनी नहीं है, तो मुझे भी खुद जानना है, क्योंकि मैं भी जिन विषयों के बारे में आप बात करते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट तो ठीक है, पर जो षड्यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अजेंडा 21 के बारे में बात कर रहे हैं, इन विषयों पे मेरी भी सालों से काफी रिसर्च रही है। तो आपका जो वेकअप जर्नी बोलते हैं, मतलब आप कैसे जगे, आपको कैसे इन विषयों के बारे में पता चला? बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा है। ये 2009-2010 की बात है, जब स्वाइन फ्लू को WHO ने पैंडेमिक घोषित किया था। तो उस समय एज ए डॉक्टर, जो अभी आज की तारीख में जो डॉक्टर सोच रहे हैं, तो मैं भी उस समय वैसे ही सोच रहा था कि भाई हाँ ठीक है, WHO ने घोषणा कर दी तो पैंडेमिक है। WHO एक अच्छी संस्था है, एक हमारा डॉक्टर्स के लिए और एक वर्ल्ड हेल्थ के लिए एक अच्छी संस्था है। तो मुझे लगा ठीक है, WHO ने पैंडेमिक घोषणा कर दी तो हम लोगों को उसके हिसाब से प्रोटोकॉल से चलना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने राजीव दीक्षित जी के कुछ वीडियो सुने, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो पूना में गए थे और पूना में उन्होंने बताया था कि ये स्वाइन फ्लू जो है षड्यंत्र पूर्वक बताया जा रहा है, ऐसा कोई पैंडेमिक नहीं है। उसके बाद मैंने कई सारे वीडियो उनके सुने, मुझे कुछ बातें समझ में आने लगी। फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने लगभग 3 साल तक इसको रिसर्च किया कि ये स्वाइन फ्लू पेंडेमिक था या नहीं था। एज ए डॉक्टर मुझे पता होना चाहिए कि ये पेंडेमिक झूठा था या सही था। तो अल्टीमेटली मुझे मालूम चला कि इसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई है, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने इंक्वायरी करी थी और उसमें बताया गया था कि ये झूठा पेंडेमिक था, यानी कि पेंडेमिक देर वॉज नो पेंडेमिक एट ऑल, ये उनकी रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। उन ऑफिशियल रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि WHO के अधिकारी, कर्मचारी और वैज्ञानिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिले हुए थे, उनके उनके टाइप थे, उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशंस थे, उनके साथ बिजनेस रिलेशंस थे, इसलिए उन लोगों ने इसको एक पैंडेमिक घोषणा करी। तो 2-3 साल 4 साल तक जब मैं रिसर्च करता रहा स्वाइन फ्लू की, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि WHO पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे बात चलती रही, कभी सार्स आ गया, कभी मर्स आ गया, तो मुझे WHO की बात पर विश्वास नहीं होता है। और जैसे ही कोरोना की बात निकली और जब वुहान में पहला केस आया, तब तक तो कोई बात नहीं थी, ठीक है, मैंने मुझे लगा कि चीन में कोई लोकल मैटर होगा। लेकिन जब WHO ने इसको महामारी घोषणा करनी शुरू कर दी और WHO बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गया इसके अंदर, और ईरान की बात भी आने लग गई, स्पेन की बात आने लग गई, इटली की बात आने लग गई, तो उसी वक्त मुझे लग गया कि अब WHO एक नया गेम खेल रहा है। वो स्वाइन फ्लू का मैटर खत्म हो चुका है, अब WHO का एक नया वायरस चाहिए, ताकि ये जो उनके जो आकाए हैं, जो उनको फंडिंग करते हैं, उनके लिए वो पैसों की व्यवस्था कर सके। तो ये जो जर्नी शुरू होती है 2009-2010 से, तब से मुझे ये सारा सिस्टम समझ में आने लगा और अब मैं जाकर के इस मामले में परिपक्व हो चुका हूँ। WHO जिस संस्था पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो अजेंडा 21 और जो आप पेडोफीलिया और एड्रिनोक्रोम वगैरह की बात करते हो, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको राजीव दीक्षित जी के द्वारा ही मिली? जी उसके बाद 2013-14 के बाद पहले मुझे स्वाइन फ्लू समझ में आया। जब मुझे स्वाइन फ्लू समझ में आया तो मैंने और चीजें रिसर्च करना शुरू की, मैंने और क्या क्या चीजें हो रही है इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके मुझे कंसेप्ट समझ में आने लगा कि किस प्रकार से एक इंटरनेशनल गेम चल रहा है, उस गेम के माध्यम से विश्व के समुदाय को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। तो ये साजिश में ID 2020 भी है, इसके अलावा आप देखेंगे तो जॉर्जिया गार्ड स्टोन्स भी है, काफी चीजें हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके मुझे 2000, ये जर्नी आप 2009-10 स्वाइन फ्लू से मान सकते हैं, और 2020 तक आते आते ये कोरोना का जब इन्होंने बात फैलाई, तब तक मुझे इसमें काफी कुछ जानकारी हो गई। जी, आपका आपके टाइम ने आपको अच्छी तरीके से सर्व किया होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आज भी जो मैं डॉक्टर्स या मेडिकल कम्युनिटी में बात करता हूँ, उनके पूरे पिक्चर की समझ नहीं है, तो वो ऑलवेज मतलब ये बौखला जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग कैसे कर सकते हैं। पर
पर आपका जो बैकग्राउंड है रिसर्च का और ये आप लार्जर पिक्चर को समझते हो तो आपके लिए काफी आसान रहा होगा। और मैंने भी देखा है कि जो काफी अभी जो लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अशोक भाई पटेल हैं या विश्वरूप जी भी है, काफी लोग हैं उन्होंने राजीव दीक्षित जी से काफी सीखा है, तो राजीव दीक्षित जी को भी मैं काफी मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे तो। हमारा आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट हमारा जो मुंबई का ग्रुप है उसका मास का वीडियो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, वो नियरली आई थिंक 5-10 मिलियन क्रॉस किया और सबने सेंसर कर दिया। तो उसके बाद प्रिंट मीडिया में और जो मतलब लाइव मिंट है या कुछ आउटलेट्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने मतलब काफी मिसरिप्रेजेंट किया उसको और वो मतलब विश्वरूप को बेसिकली ये डिमोनाइज कर रहे थे कि ये डॉक्टर नहीं है और ये पूरा मतलब मूवमेंट चला रहा है यहाँ पे। तो मुझे बस आपसे जानना था कि आपका मीडिया के साथ इंटरेक्शन क्या रहा है और आपका मतलब उनसे रिस्पॉन्स कैसे रहा है, क्योंकि ये लोग बोलते रहते हैं कि कोई डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं कर रहे, कोई मेडिकल कम्युनिटी से बोल नहीं रहा, पर आप जैसे लोग हैं या वो के वी तुमाने या अमर सिंह आजाद जैसे बहुत सारे डॉक्टर थे जो अभी बोल रहे हैं, तो वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं मीडिया में? फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने और मई 15 मई तक मैंने मीडिया वालों को कई बार ईमेल किया, कई बार ट्वीट किया, तो मैंने उनको टैग भी किया। तो मुझे लगा शायद इनको पता नहीं होगा या ऐसी कुछ बात होगी, तो लेकिन उन्होंने किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया, किसी टिक का जवाब नहीं दिया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कई बार ईमेल किया, कम से कम 500 बार मैंने ईमेल किया सब लोगों को मिला करके, मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मिनिस्टर्स, लेकिन किसी का भी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या कोई बात कहना चाहते हैं कि भैया ये मेरा व्यू है, मैं इस व्यू को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आपने 400-500 लोगों को ईमेल किया और कोई भी आपका जवाब नहीं दे रहा, जो बड़ी अथॉरिटी है ना, सब बड़े लोगों को हमने ईमेल किया, तो इसका बात बड़ा ही स्पष्ट है कि उन लोगों को ये जानकारी पहले से है, उनके पास ये पहले से पता है कि ये क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हमें लॉकडाउन करना है, इस बात की सूचना उनके पास बहुत पहले से है। तो उस लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, मीडिया वालों ने या जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने, बस जनता को बताने के लिए ये सब चीजें हो रही है कि अब ये काम करना है, अब ये करना है, अब ये मास्क लगाना है, अब ये करना है। तो मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ भारत का मीडिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संस्था की अगर हम देखेंगे कौन सा संस्था सबसे अधिक करप्ट है, तो नंबर वन करप्ट संस्था मीडिया है। पूरी दुनिया को और देश को बर्बाद कोई कर रहा है तो मीडिया कर रहा है। तो मीडिया से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सच की रिपोर्टिंग करेगा, वो कभी सच की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। हो सकता है जिसने पैसा दिया है उनके पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए वो आपको बदनाम भी कर दे। अगर आपने कोई वीडियो बनाया है और आपने जारी किया है और आप खुद बता रहे कि आपका वीडियो भी ट्विस्ट किया, मतलब जो आपने बताया वो नहीं बताया, वो कुछ और बता दिया उन लोगों ने, तो मीडिया किस प्रकार से झूठ बोलता है? मीडिया आज की तारीख में एक ही काम करता है, वो झूठ बोलना, षड्यंत्र करना और उस षड्यंत्र के हिसाब से जनता को गुमराह करना। तो ये मीडिया की एक काम करने का तकनीक है, ये बात मुझे पहले से पता है। तो मैंने बहुत ज्यादा मीडिया से मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। 2-4 बार मेल किया, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एनर्जी वहां लगाएंगे जहां लोग हमारी बात को सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी मीडिया पे सिमिलर ओपिनियन है और वो और मतलब मजबूत हो गया हमारे एक्सपीरियंस के बाद। तो आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया का क्या रिप्रेजेंटेशन था? जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आप लोगों का, उसमें मैंने देखा ज्यादातर तो ये मतलब ऑल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट्स ही थे यूट्यूब के, इतने मैंने मेनस्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स देखे नहीं, तो क्या कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया वहां पे प्रेजेंट था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उन लोगों ने एक प्रकार से बायकॉट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला रहे, सामान्य परिस्थिति में तो मीडिया नहीं आ रहा, बात समझ में आती है कि हम लोगों ने कोई हमारा सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल रहा है, मीडिया हमको कवर नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया गया तब भी नहीं आ रहा है। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, जहां आपको आपकी जो सवाल है उन सवालों का जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर नहीं है, 4-5 डॉक्टर बैठे हुए, आप वहां भी नहीं आ रहे, आप सवाल भी नहीं पूछना चाहते, तो ये बात अपने आप में स्पष्ट है ना। इस चीज को आपने अभी इतनी कम आयु में जो पता लग गया, तो नेचुरल सी बात है बहुत कम लोग जो आपकी आयु होकर उनको लगेगा नहीं नहीं यार मीडिया तो सही कह रहा है, लेकिन जिसे सत्य की जानकारी हो गई है या मीडिया के बारे में, तो ये इससे बड़ा भ्रष्ट सिस्टम दुनिया में कहीं और नहीं है। जी बिल्कुल, मैं और एक चीज से सरप्राइज हुआ था आपके वीडियोस को देख के कि आपका वैक्सीनेशन के लेके स्टांस काफी स्ट्रांग है, और मैंने ये जनरली देखा है जो मेनस्ट्रीम मेडिसिन में पढ़ के लोग निकलते हैं MBBS MD डॉक्टर्स, उनको बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज है उनमें सिखाया जाता है कि वैक्सीन से क्या बेनिफिट्स है, शेड्यूल है, कैसे देना चाहिए, और ये मैंने काफी डॉक्टर से सुना है कि वो लोग एक्चुअली सिखाते नहीं कि वैक्सीन के रिस्क क्या है। तो क्या ये बात आपके एक्सपीरियंस से सच है कि आपको मेडिकल स्कूल में वैक्सीन के रिस्क या कैसे बनते हैं वो सब सिखाया गया था आपको? नहीं,
आपको मेडिकल कॉलेज में ये बताया जाता है कि वैक्सीन के क्या क्या फायदे हैं और वैक्सीन की कितनी डोज है, कितनी बार देना है, कौन सा वैक्सीन कब कब पे देना है, और पूरी डिटेल्स की जानकारी कि वैक्सीन कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं, इनकी जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती है, यहाँ तक कि जो पीजी स्टूडेंट होते हैं उनको भी नहीं हो पाती है। तभी तो आप देखिए हमारे देश में वैक्सीन जैसी चीजें नहीं बन पाती है ना। कोई आप देखिए जितनी भी लेटेस्ट मेडिसिन होती है, ड्रग होती है, वो बाहर से आती है, हमारे देश में बन नहीं पाती क्योंकि जानकारी होती नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर के हम बात करें तो इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, कई बार बच्चों को वैक्सीन बहुत कम उम्र में दी जाती है। मैं कोरोना वैक्सीन की बात नहीं करूँ, एक सामान्य वैक्सीन की बात करेंगे तो 1.5 महीने के बच्चों को, 2.5 महीने के बच्चों को, 3 महीने के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है ना। अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आज मैं देना चाह रहा हूँ, जो अगर आपकी बात को, इस बात को कोई डॉक्टर सुन रहा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट पे विशेष ध्यान दें। जो बच्चा होता है 6 महीने तक वो वैक्सीन को रेस्पॉन्ड कर नहीं सकता, यानी कि 6 मंथ तक की आयु में किसी बच्चे के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनते हैं। एंटीबॉडी बनना ही 6 महीने बाद शुरू होते हैं। 6 महीने तक तो वो जो माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होते हैं उससे ही काम चलाता है वो। और आप अगर एंटीबॉडी बनाने के लिए 6 महीने से पहले किसी बच्चे को वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसका इम्यून सिस्टम ऐसा होता ही नहीं है कि वो वैक्सीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके, तो आप क्यों दे रहे हैं उसको? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे डॉक्टर्स को जानकारी नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न हम उनसे पूछेंगे तो धीरे धीरे वो भी इस बात पे डिस्कशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि ये वैक्सीन जो है अधिकतर वैक्सीन काम के नहीं है। और रही बात बीमारियों की, लाखों प्रकार की बीमारियां होती है, लाखों प्रकार की बीमारी होती है, तो इसका मतलब आप लाखों प्रकार के वैक्सीन बनाएंगे। अब लाखों प्रकार के वैक्सीन बनाएंगे और एक वैक्सीन की डोज किसी की 2 डोज है, किसी की 3 डोज है, किसी की 4 डोज है, किसी की 6 डोज है, तो कितनी वैक्सीन की डोज दोगे? ये तो आप बच्चों को रोज वैक्सीन ही लगाते रहोगे। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, तब तक तो ठीक है, ऐसे रूटीन चीजों के लिए हम अगर वैक्सीन बनाने लग जाएंगे तो हमें तो जिंदगी भर वैक्सीन ही लगते रहेंगे। तो ये हमारे जो नेचुरल जो काम करती है, जो नेचुरल वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती है हमारे शरीर के अंदर, और नेचर भी एंटीबॉडी बनाता है। नेचर डेली हमारा जो शरीर है कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में एक्सपोजर में आता है और डेली एंटीबॉडी बनती है, नेचुरल एक नेचुरल तरीके से बनती है, उसको हम कहते हैं कि नेचुरल इम्यूनाइजेशन, है ना। वैक्सीन भी वही काम करता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से करता है, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। जब नेचुरल तरीके से हमारा हो रहा है, बॉडी हमारा लड़ सकती है, तो आर्टिफिशियल तरीके से लड़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं। एक आदमी चल सकता है, उसको आप लाठी पकड़ा दो, नहीं भैया तुझे लाठी लेकर चलना है, तो धीरे धीरे चलते चलते उसकी आदत पड़ जाएगी, वो लाठी से चलेगा। तो वैक्सीन एक प्रकार की लाठी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी, आपका पॉइंट ये रिसर्च में भी आता है, मैं मीजल्स का एग्जांपल दे देता हूँ। तो मीजल्स में इन्होंने स्टडीज किए हैं जहाँ पे ये देखते हैं कि जो जिन माओं को वैक्सीन नहीं लगती उनके मिल्क में एंटीबॉडी लेवल काफी हाई होते हैं और जिनको लगती है वो लो होती है। तो MMR वैक्सीन तो वैसे भी वो एज में लगता नहीं है, और वो एज में मतलब बच्चे सबसे वल्नरेबल होते हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, जैसे आप कह रहे हो, तो एंटीबॉडीज बन नहीं सकती। तो उस सिनेरियो में तो ये बहुत ही ऑब्वियसली बेटर है कि नेचुरल इम्यूनिटी वैक्सीन डिराइव्ड इम्यूनिटी से तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि उसके एंटीबॉडी लेवल्स ऑब्वियसली ज़्यादा रहते हैं। तो आपका जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, आपके जो कलीग्स रहे होंगे मेडिसिन में, उनको आपके बारे में लेके क्या विचार है? क्योंकि वो भी ऑब्वियसली सेम सिस्टम से पढ़े होंगे और इनको तो सिखाया जाता है कि जर्म थियरी सबसे मतलब मेन है और जो वैक्सीन के लिए प्रश्न उठाते हैं वो सब मतलब पागल डॉक्टर है वैसे। तो आपका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? जो डॉक्टर्स मेरे साथ में है, जो मेरे क्लासमेट्स है, काफी मुझे सपोर्ट करते हैं, वो पीछे से मेरे सपोर्ट करते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर द राइट, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लोग सामने से नहीं बोल सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, वो कहते हैं हम नहीं बोल सकते। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो बोल रहे भैया जो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है हम उसके हिसाब से चलेंगे, है ना। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी सामने आ जाती है, तो वो लोग सामने नहीं आते, लेकिन वो लोग ही मुझे इसका मैटर भेजते हैं। जो सामने से नहीं बोल पाते हैं मुझे मैटर भेजते हैं कि देखो ये मैटर है, तुम इसको उठाओ। उनको जानते कि मैं बात को उठा रहा हूं, तो मुझे जो मैटर मिलता है वो मेरे उन्हीं कलीग से मिलता है जो सामने बोल नहीं पाते। सारा मैटर मुझे अभी तक जितना मिला पिछले 5 साल 10 सालों में, वही मुझे भेजते रहता है, देखो भाई ये असली मैटर है, तो मैं उसी मैटर को स्टडी करता हूँ, उन्हीं की बात को उठाता हूँ। बस फर्क इतना है कि वो बात सामने से नहीं कह पाते, वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। जी, और आई होप वो समझ पाए कि आप जो षड्यंत्र की बात कर रहे हो, अगर लोग ऐसे ही चुप बैठे रहे
तो उनके जॉब भी जाने वाले हैं और उनके फ्रीडम भी सून जाने वाले हैं, तो मेरी यही उम्मीद रहेगी उनसे कि वो भी मतलब आके इस विषय पे बात करना शुरू करें। और आपने अभी जो है वो नई पुस्तक निकाली है जो मतलब मैं अभी ऑर्डर करूंगा और पढ़ूंगा, पर दर्शकों को बताइए कि वो पुस्तक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ मेनली कोरोना के बारे में लिखा है या पूरे षड्यंत्र के बारे में भी आपने एक्सपोज किया है उसको? हाँ, ये मेरी एक नई बुक है, आप इसको देख सकते हैं, कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल, द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आपको दिख रहा है, जी जी दिख रहा है। कोरोना पैंडेमिक स्कैंडल द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये बुक स्पेसिफिकली इस कोरोना षड्यंत्र पर लिखी गई है। इसमें 188 188 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। जिन जिन लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे पिछले जब मैं ये काम कर रहा था, तो जो जो प्रश्न मुझसे पूछते गए वो सब प्रश्न मैं नोट करता गया कि भाई एक कॉमन प्रश्न क्या होते हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन क्या होता है कि आपने चार सवाल पूछे, मैंने आपको चार सवाल का उत्तर दे दिए, फिर किसी ने दो सवाल पूछे, मैंने उनका उत्तर दे दिया, तो वो पूरी बात कंबाइंड नहीं हो पाती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं लोगों के। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स को एक साथ इकट्ठा करके इस बुक में मेंशन किया है। इसमें 188 188 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं कि आप इनको पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये महामारी नहीं है, एक सामान्य बीमारी है। जी, और मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तरुण जी को सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज जाके उनकी बुक बाय कीजिए, क्योंकि ये मतलब काफी कम डॉक्टर्स है जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि हम लोग अभी जैसे येस्टरडे देखा यूके में, जर्मनी में इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो गए, तो आपके जितने भी वीडियोस वायरल हुए और आपका जितना भी इंटरेक्शन रहा है भारतीय जनता के साथ, आपको क्या लगता है कि हम मतलब कौन से स्टेज में, हम क्या अभी वो स्टेज में है जहाँ पे हम सड़कों पे निकल सकते हैं, या हमें मतलब और ज्यादा काम करना है अवेयरनेस बढ़ाने पे? आपको क्या लगता है हम कहाँ पे अभी? देखिए, यहाँ दो बात है, यहाँ फिर एक मीडिया का रोल आ जाता है। पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आके विरोध कर रहे हैं, किसी मीडिया ने एक क्लिप तक नहीं बताई, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको एक क्लिप तक बताने की जरूरत नहीं समझी कि दुनिया में विरोध हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मीडिया उनसे मिला हुआ है, तो मीडिया से हम लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो मीडिया है, तो देश की जनता को मीडिया के खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए। मैं जनता को उस बारे में जागरूक कर रहा हूं और काफी लोग इस बारे में जागरूक हो चुके हैं, और बहुत जल्दी देश की जनता मीडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है। ये अभी अगस्त तो खत्म हो गया है, तो सितंबर के महीने में मेरे ख्याल से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। जनता करोड़ों की संख्या में जागरूक हो चुकी है, इस बात को समझ रही है। हम इस स्थिति में है कि कुछ दिनों के अंदर सड़कों पर आ सकते हैं, बस हमें एक काम ये करना होगा कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा समय देना होगा। अगर हम ये बोले कि हम कल परसों सड़कों पे आ रहे, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय देकर के एक डेट तय करके आपस में हम अनाउंस करेंगे, तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग वहां पर आएंगे विरोध करने के लिए। जी, और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी सिमिलर रहा है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप्स है इंडिया में, हमारे मुंबई में एक ग्रुप है, फिर दूसरे सिटीज में भी ग्रुप्स है, तो हम ग्राउंड लेवल पे जाके मतलब फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफी सेंसरशिप हो रहा है, तो हम सब तरीके यूज कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया भी यूज नहीं कर रहे पर ग्राउंड लेवल पे भी जा रहे हैं। तो मैं जितने लोगों से भी इंटरेक्ट किया अभी तक, उसमें से 8 में से 10 लोग तो मतलब रिसेप्टिव होते हैं, मतलब वैसे नकार नहीं देते, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि मतलब जब हम प्रश्न करते हैं, जब उनको इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, तो वो काफी रिसेप्टिव होते हैं और उसके बारे में जाके पढ़ते भी है। तो मेरी भी उम्मीद है कि मतलब हम कुछ कर पाए ऐसे पैमाने पे, तो ही इम्पैक्ट बनेगा, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया पे तो ठीक है, पर इवेंचुअली तो जब ये लोग वैक्सीन लगवाना चाहेंगे या ये माइक्रोचिपिंग या जो भी इनके षड्यंत्र है जो आने वाले हैं, तब हमको तो विरोध करना ही पड़ेगा और उसको मतलब नकारना होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, आपके कुछ फाइनल वर्ड्स हो तो दर्शकों को बता दीजिए प्लीज, और आपको कहाँ बस पे मैं ढूंढ वही सकते, आपको कहाँ पे वो ढूंढ सकते हैं वो भी बता दीजिए। हाँ, मुझे मैं तो बहुत कॉमन हूँ, आप जाकर के कहीं भी टाइप कर लीजिए, डॉक्टर तरुण कोठारी है ना, इंडो अमेरिकन हेल्थ केयर दिल्ली, तो मेरा क्लिनिक का नंबर निकल जाएगा वहाँ से। वहाँ से आप मुझे मेरे क्लिनिक पे फोन कर सकते हैं। मैं जनरली सुबह सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक अपने क्लिनिक पे मिलता हूँ, है ना। और जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो लोग नहीं जागे, नहीं प्रदर्शन किया, नहीं वो सड़कों पर उतरे, तो इन लोगों की योजना 10 वर्ष की है, 10 साल तक ये कोरोना चलाएंगे अगर आप लोग सड़कों पे नहीं आए तो।
इनकी न्यूनतम योजना 2 साल की है, 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक 2 साल की न्यूनतम योजना है और 10 साल की इनकी अधिकतम योजना। 10 साल के अंदर ये आपको पूरा पैलेस कर देंगे, पूरा आपको गुलाम बना देंगे। तो जितना जल्दी आप सड़कों पर आएंगे उतना ही जल्दी असर होगा, जितना आप देरी से करेंगे उतना आप गुलाम बनते जाएंगे, बनने के बाद फिर आपके हाथ पर कट जाएंगे, फिर आप सड़कों पर आने की स्थिति में नहीं होंगे। अभी हम लोग विरोध करने की स्थिति में है, अभी हम लोग सड़कों पर आने की स्थिति पे हैं, अभी हम लोग मीडिया का विरोध कर सकते हैं, तो हम लोगों को तुरंत जितना जल्दी हो सके सड़कों पर आना चाहिए और इसका विरोध करके मीडिया को और सरकार को दोनों को बताना चाहिए कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इस षड्यंत्र को समझ चुकी है, जनता को मुक्त किया जाए। जी, मेरा भी यही मानना है कि जितना देरी से हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही और कठिन होता जाएगा ये कार्य। तो मतलब लोगों को जो ये समझते हैं उनको ऑब्वियसली दूसरे लोगों को जगाना चाहिए और हमें साथ में कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा इस समस्या को डील करने के लिए। तो बहुत धन्यवाद आपका तरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वर्क एंड यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी, प्लीज कंसिडर साइनिंग अप ऑन माई पेट्रियन और फ्लोट अकाउंट, where you could support me with monthly donations and receive certain benefits for the same, like early access to my videos, asking me questions, bi-weekly Indian news put into context, and a lot more. You could also support me via Bitcoin or UPI. The details have been put in the description box below. I'm only supported by my viewership and don't take any money from vested interests. So if you want to support independent media and conspiracy research in India, please consider helping me out. No sum is too small. Thanks.